देसी पर बड़ी हलचल। आ गया आखिरी ऑटो। चीन के चीथड़े उड़ेंगे, जिनपिंग देखेंगे। वर्ल्ड वॉर का रिवर्स काउंटडाउन। चीन, चालबाज चीन की लाल सेना ने हिमालय की इन सब चोटियों में अपनी कब्र खोदने की तैयारी कर ली। लगता है जिनपिंग अपनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी को जंग में झोंक उसे बर्बाद करने पर आमादा है। चीन के राष्ट्रपति पर जंग की इन दिनों ऐसी धुन सवार हो चुकी जो बीजिंग की तबाही के साथ ही अब उतरेगी। पंद्रह जून की रात को जिनपिंग की लाल सेना अभी तक भूली नहीं होगी। देखो चीनी वाले डर के भाग रहे। जिनपिंग के सैनिकों ने उस रात को भारतीय जवानों पर धोखे से हमला किया था। हिंदुस्तान के शोरवीरों ने चार घंटे के अंदर जवाबी हमले में चीन के कई सैनिकों की गर्दन तोड़ दी थी। रेड आर्मी के 40 से 50 जवान मौके पर ही मारे गए। उम्मीद थी कि जब यह खबर जिनपिंग के पास पहुंची होगी तो उसे थोड़ी अकल आई, लेकिन अब लगता है कि चीन का यह तानाशाह अपने संपूर्ण विनाश पर आमादा हो चुका है। चीन के राष्ट्रपति और सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी शी जिनपिंग के सर पर युद्ध का भूत सवार है। चीन की सेना पीएलए का टॉप कमांडर जिनपिंग नेवी मरीन कॉर्प्स के मुख्यालय का दौरा करने पहुंचा। 2017 में नेवी मरीन कॉर्प्स के गठन के बाद यह पहला मौका था जब चीन का राष्ट्रपति वहां पहुंचा और वहां पहुंचकर चीन के सैनिकों को युद्ध की तैयारी का आदेश दिया। दूसरे की जमीन हथियाने वाले चीन के सिर पर खून सवार हो गया। अमेरिका और भारत के साथ चल रहे तनाव के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गुआंगडोंग इलाके का दौरा किया। यहां वो सेना के एक अड्डे पर भी पहुंचे। सैन्य अड्डे पर शी जिनपिंग ने अपने मरीन सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार रहने और हमेशा सतर्क रहने के लिए कहा। शी जिनपिंग ने कहा, आपको अपना दिमाग और पूरी ऊर्जा युद्ध के लिए तैयार रहने पर लगानी चाहिए और हमेशा बेहद सतर्क रहे। देखिए, जो पीएलए के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, जो ये अपनी सेना के पास जा रहे हैं या मरीन्स के पास जा रहे हैं, ये क्लियर एक इंडिकेशन है कि वो इस वक्त समझते हैं कि युद्ध होने की संभावना है। शायद उनको लगता है कि उनकी जो आर्मी है वो पूरी तरह से तैयार नहीं है, परंतु ये एक मोटिवेशनल लेक्चर है जो हर कोई देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति इस किस्म के जब वॉर का खतरा मंडरा रहा हो अपने सेनाओं का मनोबल ऊंचा करने के लिए जाएगा। तो अगर उन्होंने पीएलए को जाकर रेडी रहने के लिए बोला है तो इसलिए उसका मतलब यह है कि वो समझते हैं कि इंडिया जो है आसानी से गिव इन करने वाला नहीं है और इंडिया उनको पूरी तरह से कंटेस्ट करेगा। जिनपिंग ने जिस मरीन कॉर्प्स का दौरा कर अपने सैनिकों को युद्ध की तैयारी में जुटने के लिए कहा है उसके बारे में आपको भी बता देते हैं कि दरअसल वो है क्या। 2015 में जिनपिंग ने सेना का पुनर्गठन किया था। करीब 3 लाख सैनिक थल सेना से कम कर दिए गए थे, यानी कि थल सेना से 3 लाख सैनिकों को हटा दिया गया था। नौसेना और वायुसेना का विस्तार किया गया था, उसको बढ़ाया गया था, एक्सपेंड किया गया था। मरीन कॉर्प्स में सैनिकों की संख्या 1 लाख करने का प्लान है। ग्वादर बंदरगाह, हिंद महासागर के जिबूती में इनको तैनाती देंगे। जो मरीन कॉर्प्स हैं 1 लाख सैनिक जिबूती में इनकी तैनाती होगी। चीन के मरीन कमांडो को संबोधित करते हुए जिनपिंग ने इशारों में ही ताइवान और साउथ चाइना सी पर चीन के दावे का भी जिक्र किया। जाहिर जिनपिंग का ये दौरा उस समय में हुआ है जब ताइवान स्ट्रेट में तनाव अपने चरम पर है, साथ ही अमेरिका और ताइवान के बीच रिश्ते और ज्यादा मधुर होते जा रहे हैं। चीन ये कह चुका है कि वो ताइवान को अपने नियंत्रण में लेना चाहता है और इसके लिए जरूरी हुआ तो वो अपनी सेना का भी इस्तेमाल करेगा। यही वजह है कि जिनपिंग ने अपने मरीन कमांडो को उनके मिशन के भी याद दिला दी। मरीन सैनिकों के बहुत से अलग अलग मिशन और आपके डिमांड काफी ज्यादा होगी, इसको देखते हुए आपको अपनी ट्रेनिंग में जंग की तैयारी पर फोकस रखना चाहिए, साथ ही अपने प्रशिक्षण के मान को और लड़ाकू क्षमता को बढ़ाना चाहिए। दूसरा सवाल जहां तक उन्होंने अपने मरीन्स को बोला है वो बड़ा क्लियर है।
उनको समझ में आता है कि उन्होंने अपने लिए ईस्ट चाइना सी में जापान के अगेंस्ट या साउथ चाइना सी में आसियान कंट्रीज के अगेंस्ट या क्वाड के अगेंस्ट या पैसिफिक अपना ओशन में या इंडियन ओशन में उन्होंने क्वाड की जो एक अलायंस बनी है उनके अगेंस्ट वहाँ पर उन्होंने अपना बहुत सारा जो है इन्वेस्टमेंट कर दिया हुआ है। उन्होंने ये सारी की सारी सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन अपने लेवल पर डोमिनेट करने की कोशिश की थी ताकि वो उनको दूसरी नेवीज को प्रभावित कर सके। वो उनको शायद अब समझ में आ गया है कि दुनिया सारी इकट्ठी हो चुकी है और वो इस वक्त चाइना को अपनी मनमानी नहीं करने देगी। एक और एलएसी पर चीन ने हिंद की सेना के साथ विवाद खड़ा कर मुसीबत मोल ले ली तो दूसरी ओर साउथ चाइना सी को लेकर अमेरिका और चीन में तकरार छिड़ी हुई, लिहाजा समंदर में खुद को ताकतवर बनाने के लिए चीन लगातार कोशिशें और पावर एक्सरसाइज कर रहा है। चीन की न्यूक्लियर फोर्स डोंगफेंग सीरीज के TF-31A परमाणु मिसाइल के साथ पावर एक्सरसाइज कर रही। चीनी सेना के TF-31A मिसाइल चीन से सीधे अमेरिका तक मार करने में सक्षम। मौजूदा वक्त में ताइवान को घातक हथियार देने को लेकर अमेरिका और चीन में तनाव चरम पर। ऐसे में जिनपिंग का ये ऑर्डर अमेरिका के लिए एक अल्टीमेटम की तरह देखा जा रहा है। पनडुब्बी है ये जापान की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेपन सिस्टम है जो चाइना जो अपनी मैरीटाइम पावर बढ़ा रहा है, जो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स का नंबर बढ़ा रहा है या अपने शिप्स का नंबर बढ़ा रहा है, ये उनको टॉर्पेडो करके इफेक्टिवली डिस्ट्रॉय करेगी और उनको इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज करेगी। चाहे वो अकेला जापान की नेवी चाइना से लड़ रही है या जापान की नेवी एज पार्ट ऑफ क्वाड अलायंसेस या रीजनल अलायंसेस चाइना की जो नेवी से लड़ रही है, तो ये डेफिनेटली एक चाइना की नेवी के लिए बुरी खबर है और उनको डेफिनेटली इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिनपिंग के लाल सेना पहाड़ से लेकर समंदर तक घिर चुकी है। एलएसी पर भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद 6 महीने हो चुके। हिमालय के करीब 15,000 फीट ऊंची रणभूमि पर हिंद की सेना पूरी तैयारी से जुटी हुई। पहाड़ों पर जहां हिंदुस्तान के टैंकों की दहाड़ सुनाई दे रही तो वहीं आसमान में शूरवीरों की गर्जन। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सीमा विवाद के 6 महीने पूरे हो चुके हैं। आपको बताएं कि एलएसी के उस पार चीन ने 56,000 सैनिकों को तैनात कर रखा है। अभी सही मायने में सर्दी की शुरुआत भी नहीं हुई लेकिन चीन की सेना पीएलए के जवानों के जो पांव हैं वो अभी से थरथराने लगे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स तो ये भी कहती है कि चीन के कई सैनिक मारे जा चुके हैं। जाहिर एक और जिनपिंग के लाल सेना एलएसी पर विवाद खड़ा करके फंसी हुई तो वहीं हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका की जंगी पोतों ने जिनपिंग की नींद उड़ा रखी तो वहीं रही सही कसर जापान ने पूरी कर दी। जापान ने चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच समुद्री सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए अपनी सबसे एडवांस्ड सबमरीन को समंदर में उतार दिया। 3,000 टन की इस लड़ाकू पनडुब्बी को ताइगी नाम दिया गया। ये जापानी नौसेना के पनडुब्बी बेड़े में 22वां पोत। इस पनडुब्बी को समंदर में ऐसे समय उतारा गया जब चीनी तटरक्षक बल के 2 गश्ती जहाज पूर्वी चीन सागर स्थित जापान के सेनकाकू द्वीप के निकट पिछले 4 दिनों से डेरा डाले हुए। इन द्वीपों पर चीन भी अपना दावा करता है। पहाड़ पर भारत ने चीन को घेर रखा है, वहीं समंदर में चीन को घेरने की तैयारी भारत, अमेरिका और जापान ने मिलकर कर दी है। ऐसे में अगर समंदर में चीन को पाकिस्तान की मदद मिल भी जाती है तो भी आपको यह समझना बेहद जरूरी है कि समंदर में अगर युद्ध होता है तो यहां पर कौन किस पर भारी पड़ता है। हम आपको देखिए 2 स्थितियां समझाते हैं जरा ग्राफिक्स के जरिए। अमेरिका, भारत और जापान आप देख सकते हैं अपने यहां पर ग्राफिक्स में, और वहीं दूसरी तरफ आप देखिए जरा चीन और पाकिस्तान नजर आते हैं। अगर एयरक्राफ्ट करियर की बात की जाए तो ये जो 3 देश हैं इनके पास 25 एयरक्राफ्ट करियर हैं, वहीं चीन और पाकिस्तान के पास कुल मिलाकर सिर्फ 2 एयरक्राफ्ट करियर हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि समंदर में दरअसल में कौन सी वो ताकत है जो कहीं ज्यादा भारी पड़ती नजर आएगी हिंदुस्तान के मुकाबले, अगर आप चीन की तुलना करते हैं या चीन के साथ साथ पाकिस्तान को भी जोड़ लेते हैं। अगर आप बात करते हैं सबमरीन की तो देखिए यहां पर हम आपको बता दें ये जो 3 देश हैं
ये तीन देश यहां पर आप देखिए जरा, इनके पास 102 सबमरीन हैं। वहीं दूसरी तरफ आप अगर चीन और पाकिस्तान को देखते हैं तो उनके पास सिर्फ 82 सबमरीन है। डेस्ट्रॉयर की अगर बात की जाए तो डेस्ट्रॉयर में भी एक बड़ा अंतर यहां पर नजर आता है। अगर आप देखेंगे चीन और पाकिस्तान के पास सिर्फ 36 डेस्ट्रॉयर हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका, हिंदुस्तान और जापान के पास 141 डेस्ट्रॉयर हैं, यानी एक बड़ा अंतर यहां पर नजर आता है। हालांकि जो कुछ और पहलू हैं वहां पर जरूर एक बड़ा अंतर यहां पर नजर आता है, खासकर फ्रिगेट्स के मामले में। 13 सिर्फ फ्रिगेट्स हैं भारत, अमेरिका और जापान के पास, वहीं दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान के पास ये संख्या कहीं ज्यादा है, 61 के आसपास ये संख्या है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखिए जरा, हम आपको बताते हैं कि जो वॉरफेयर, माइन वॉरफेयर है, ये अगर इस संख्या को आप देखें तो यहाँ पर 39 और 32 बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन अंतर ज़रूर है। तो सिर्फ एक पहलू ऐसा है जिसमें चीन और पाकिस्तान आगे हैं समंदर की ताकत के मोर्चे पर हिंदुस्तान, अमेरिका और जापान के मुकाबले। दरअसल चीन अमेरिका, भारत और जापान के चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस चुका है। वो इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए छटपटा रहा है और यही वजह है कि वो अब युद्ध की गीदड़ भभकी देकर दुनिया को डराना चाहता है। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ यही हो रहा है। टीम न्यूज नेशन। पाकिस्तान पर चीन की गिरफ्त धीरे धीरे मजबूत होती जा रही है। चीन ने पाकिस्तान के दो आइलैंड पर कब्जा कर लिया है जो सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इमरान ने किसी मजबूरीवश चीन को ये आइलैंड बेचे हैं या फिर ये उनकी कोई चाल है। दुनिया पर राज करने का ख्वाब और दबदबे के लिए किसी भी हद तक जाने की चाल, चीन की आंखों में पल रहा सुपर पावर बनने का सपना पूरी दुनिया के लिए किसी सितम से कम नहीं। चीन वो मुल्क जिसके दिमाग में घुसे विस्तारवाद के वायरस से छोटा बड़ा हर मुल्क परेशान है। चीन वो देश है जिसने किसी को नहीं बख्शा, फिर चाहे वो उसका दोस्त हो या फिर दुश्मन। चीन के पिछलग्गू पाकिस्तान को ही ले लीजिए, जिसकी जमीन पर एक के बाद एक चीन कब्जा करता जा रहा है और ये सिलसिला बदस्तूर जारी। इमरान ने एक बार फिर अपने सदाबहार दोस्त चीन के साथ अपनी जमीन का सौदा करके अवाम के भरोसे को चोट पहुंचाई। इमरान सरकार ने दो द्वीपों बुंदल और भुट्टो को चीन को सौंप दिया है। पहले ये दोनों द्वीप सिंध सरकार के अधीन थे। ड्रैगन के चंगुल में फंसे पाकिस्तान के ताबूत में एक कील और ठोक दी गई है और ये कील पाकिस्तान के दो द्वीपों को चीन को सौंपे जाने के बाद ठोकी गई है। ऐसे पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान की सरकार ने इस तरह का फैसला लिया हो, बल्कि हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान में सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो या फिर फौज की हुकूमत रही हो, हर किसी ने चीन के आगे सर झुकाया है। पाकिस्तान के दो खूबसूरत आइलैंड्स पर चीनी कब्जे को लेकर ड्रैगन और इमरान के लिए पाकिस्तान के अवाम में किस कदर गुस्सा है वो भी आपको बताएंगे। मगर उससे पहले सवाल ये कि पाकिस्तान ने अपने दो द्वीपों को क्यों बेचा? दो आइलैंड बेचने के पीछे क्या कोई मजबूरी या फिर इमरान जिनपिंग की ये कोई चाल है? इन सभी सवालों के जवाब की तह तक पहुँचने के लिए उन दो आइलैंड के बारे में जानना जरूरी है जो चीन को सौंपे गए। जो आइलैंड पाकिस्तान ने चीन को बेचे हैं, देखिए वो यहाँ कहाँ है, दक्षिण कराची के पास है। पहले द्वीप का नाम है बुंदल और दूसरे द्वीप का नाम है भुड्डो। दरअसल बुंदल और भुड्डो दोनों ही जो हैं ये आइलैंड सिंध प्रांत के लंबे समुद्र तट पर फैले हुए हैं। आप देखिए ग्वादर पोर्ट से इनकी दूरी जो है 650 किलोमीटर है कराची से ग्वादर पोर्ट, और 650 किलोमीटर में है बुंदल और भुड्डो। सिंध के अंदर आने वाले दोनों आइलैंड डेवलपमेंट के नाम पर चीन को दे दिए गए, यानी पाकिस्तान में उत्तर से लेकर दक्षिण तक चीन का सीधा दखल हो गया। आर्थिक तंगी के रूप में पाकिस्तान का फायदा उठाने वाले चीन ने पहले आर्थिक गलियारे के तौर पर पाकिस्तान को भारी भरकम कर्ज में फंसाया और अब उसके दो द्वीपों पर कब्जा करने की तैयारी में है, और ये सब कुछ कानूनी तौर पर हो रहा है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने पाकिस्तान आइलैंड विकास प्राधिकरण के माध्यम से इस विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसके बाद यह समझौता कानूनी तौर पर लागू हो गया है। पाकिस्तान ने द्वीपों को बेचने के लिए जो गजट जारी किया है उसमें इन इलाकों को चीन को देने की अर्जेंसी दिखाई गई। इसके ब्योरे में कहा गया कि चीन को ये आइलैंड तुरंत दिए जाने जरूरी ताकि यहाँ विकास के काम हो सके।
देखिए, पाकिस्तान निश्चित रूप से कर्ज में फंसा हुआ है, क्योंकि जो चीन इन्वेस्ट कर रहा है वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि चीन उसको एड दे रहा हो, या ऐसा नहीं है कि वहाँ पे वो फिर उसको वापस नहीं लेगा, क्योंकि 55 बिलियन डॉलर इतने बड़े इन्वेस्टमेंट होते हैं, तो वो कंट्रीज वहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं या तो इकोनॉमिक रिटर्न आए या फिर अपने आइलैंड देने पड़ेंगे। इसके पीछे पाकिस्तान और चीन की क्या चाल है, ये भी आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इमरान सरकार के इस अध्यादेश का सिंध में जबरदस्त विरोध हो रहा है। सिंध की सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान सरकार के इस कदम का जबरदस्त विरोध किया है। इसके अलावा सिंध की दूसरी पार्टियां पूरे मामले में अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं। सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या पाकिस्तान को चीन का गुलाम बना देंगे इमरान, क्या चीन को सब कुछ बेच देंगे इमरान। पाकिस्तान में हर आमो खास की जुबान पर इसी बात का डर है कि क्या सीपैक के तहत चीन सिंध पर भी कब्जा कर लेगा। सिंध में कितने जजीरे हैं वो सब बेच दिए जरदारों ने, चाइना के हाथों बेच दिए। पहले ग्वादर और फिर गिलगित बाल्टिस्तान के बाद सिंध पर कब्जे की चीन की इस नई चाल के खिलाफ आवाजें उठने लगी, यानी जो बलूचिस्तान में हो रहा है वही अब सिंध में भी नजर आने लगा है। वहाँ भी आने वाले दिनों में आंदोलन होगा और लोगों की आवाज को बर्बरता से कुचलने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सवाल सिर्फ सिंध का ही नहीं, हिंदुस्तान पर भी इस फैसले का डायरेक्ट असर पड़ेगा, इसे ऐसे समझ। दरअसल आपको बता दें, ग्वादर पोर्ट से इन दोनों द्वीपों की जो दूरी है वो कम है और जो इन्हें सांप्रदायिक रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बना देती है। आप देखिए, कच्छ से अगर हिंदुस्तान के लिहाज से देखा जाए तो चीन इन पर कब्जा क्यों करना चाहता था, क्यों खरीदना चाहता था, क्योंकि कच्छ से ये जो दूरी है कराची की 200 किलोमीटर है और फिर बुंदल और भुड्डो भी काफी पास हो जाते हैं। यानी भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास चीन को करीब लाने की कोशिश की जा रही है। चीन आएगा तो दोनों द्वीपों पर डेवलपमेंट के नाम पर वो सैन्य ठिकाने बनाएगा। ये कितनी बड़ी खबर है, इसका क्या महत्व है, इसका क्या असर होगा, ये जानते हैं देश के बड़े रक्षा विशेषज्ञों से। जो वहाँ के जानकार हैं उनका मानना है कि इसको वो प्लान कर रहा है कि वो चीन को सौंप देगा, और इससे सिंध के लोग खासे नाराज हैं। उनको लगता है कि जिस ढंग से बलूचिस्तान में जो ग्वादर को दे दिया गया, या फिर गिलगित बल्तिस्तान में कई माइनिंग या वहाँ पे दूसरे जगहों को चीन को दे दिया गया, उसी ढंग से अगर इसको चीन को दे दिया जाता है तो फिर यह सिंध का सीधा नुकसान होगा। और कुछ लोगों का यह भी मानना है कि वहाँ डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है, तो चीन उसको स्ट्रेटजिक पर्पसेस से यूज करेगा और भारत के अगेंस्ट में यूज कर सकता है। भारत की परेशानी बढ़ाने के लिए पाकिस्तान और चीन की साठगांठ कोई नई बात नहीं। पाकिस्तान चीन को 1963 में काराकोरम ट्रैक सौंप चुका है। सामरिक महत्व वाला ग्वादर पोर्ट भी साल 2013 में पाकिस्तान चीन को सौंप चुका है। चीन की महत्वाकांक्षी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजना में पाकिस्तान के पिछड़े इलाकों के विकास से ज्यादा जोर रणनीतिक पैठ बनाने की कवायद पर है। इसी के सहारे चीन ने बलूचिस्तान से लेकर पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में गिलगित बाल्टिस्तान इलाके के स्कार्दू तक अपने पैर पसार लिए हैं। चीन की यही चाल है, पहले वो छोटे मुल्कों को कर्ज के जाल में फंसाता है, फिर उनकी जमीन पर कब्जा करता है। पाकिस्तान के साथ भी यही हो रहा है, उसका रोम रोम चीन के कर्जे में डूबा है। पाकिस्तान पर कुल 37,500 अरब रुपए का विदेशी कर्जा है। यही कारण कि पाकिस्तान में सत्ता किसी की भी हो, चलती चीन की ही है। सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं, नेपाल से भी दोस्ती गांठ कर अब चीन उसके इलाकों पर कब्जा करने की चाल चल रहा है। नेपाल के हुमला में चीन ने इमारतें खड़ी कर दी। चीन ने यहाँ बॉर्डर पिलर को हटाकर 11 इमारतों का निर्माण कर लिया है। इसके अलावा चीन ने तिब्बत से लगने वाली जमीन पर भी अपना कब्जा जमा लिया, जिसका वहां पुरजोर विरोध किया जा रहा है। इसके बाद नेपाल को भी अब चीनी साजिश समझ आने लगी, इसे ऐसे समझिए। हिंदुस्तान के थल सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे के दौरे से पहले नेपाल सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए रक्षा मंत्री पोखरेल को हटा दिया। नरवणे 3 नवम्बर को नेपाल जाने वाले। इस डेवलपमेंट से साफ है कि नेपाल में चीन की साजिशों के दिन पूरे हो चुके हैं। अब नेपाल भी चीन की विस्तारवादी नीति को समझ रहा है। चीन की सीमा भले ही 14 देशों से लगती हो, लेकिन वो कम से कम 23 देशों की जमीन और समुद्री सीमाओं पर अपना दावा जताता है। और आइए अब आपको दिखाते हैं गद्दार गैंग का गुपकार एजेंडा। किस तरह से आज श्रीनगर में गुपकार साजिश हुई धारा 370 को लेकर। दिल्ली दरबार ने 5 अगस्त को गैर आईनी, गैर जमहूरी,
गैर कानूनी तरीके से हमसे छीन लिया उसे वापस लेना होगा। गद्दार गैंग का गुपकार एजेंडा, 370 को लेकर गुपकार साजिश, देश विरोधी एजेंडे पर 6 कश्मीरी तल, जिसका डर था वही हुआ। हिरासत से छूटते ही जम्मू कश्मीर के ये दोनों नेता वही भाषा बोलने लगे जिसे पिछले 14 महीनों में लोगों ने भुला दिया। दिल्ली दरबार ने 5 अगस्त को गैर आईनी, गैर जमहूरी, गैर कानूनी तरीके से हमसे छीन लिया उसे वापस लेना होगा। 3 दिन पहले तक चीन की मदद से जम्मू कश्मीर में 370 की वापसी का सपना देखने वाले फारूक अब्दुल्ला और अब गुपकार एजेंडे के साथ महबूबा मुफ्ती, दोनों नेताओं में अलगाववादी बयानों की होड़ मची हुई है। हिरासत से बाहर आते ही फारूक और महबूबा ने आर्टिकल 370 का राग छेड़ दिया और गुरुवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने गुपकार बैठक बुलाई। इस बैठक में जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती शामिल हुई। बैठक में पीपल्स कॉन्फ्रेंस और सीपीएम के नेता भी मौजूद रहे। अब ये समझिए आखिर क्या है गद्दार गैंग का गुपकार एजेंट। गुपकार घोषणा में कहा गया कि हम आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 से जम्मू कश्मीर के संविधान, इसके राज्य के दर्जे की वापसी के लिए साझी लड़ाई को लेकर समर्पित है। हमें राज्य का बंटवारा नामंजूर है। हम सर्वसम्मति से दोहराते हैं कि हमारी एकता के बिना कुछ नहीं हो सकता। 5 अगस्त 2019 को लिए गए फैसले असंवैधानिक थे जिनका मकसद जम्मू कश्मीर को अधिकारों से वंचित करना और वहां के लोगों की मूल पहचान को चुनौती देना है। हम लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारी सभी राजनीतिक गतिविधि 4 अगस्त 2019 तक जम्मू कश्मीर के प्राप्त दर्जे की वापसी की राह में होंगे। गुपकार को लेकर होने वाली बैठक पर बीजेपी पूरी तरह आक्रामक और दोनों नेताओं पर घाटी में माहौल खराब करने का आरोप लगा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती के घर में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला की जो मीटिंग हुई है जिसमें गुपकार एजेंडे को आगे बढ़ाने पर उन्होंने चर्चा की है। ये गुपकार एजेंडा देशद्रोहियों का एजेंडा है, ये गुपकार एजेंडा पाकिस्तान का एजेंडा है। जम्मू कश्मीर की जनता का इस गुपकार एजेंडे से कोई लेना देना नहीं है। जम्मू कश्मीर की जनता ने पहले ही इस गुपकार एजेंडे को कूड़ेदान में फेंक दिया है। ये अपने आप को बचाने के लिए, अपने पापों को छिपाने के लिए इस प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं। वहीं गुपकार कमेटी के बाद जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए। जम्मू में महबूबा मुफ्ती के पोस्टर जलाए गए। डोगरा फ्रंट ने गुपकार मीटिंग को धोखा बताया। पिछले साल 5 अगस्त के दिन जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाकर राज्य का विशेष दर्जा हटा लिया गया था। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। इसका कई दशकों से देश को इंतजार था जिसके तहत जम्मू कश्मीर में पूरी तरह भारतीय संविधान लागू है। यही बात अब जम्मू कश्मीर की जनता को सालों से अपनी उंगलियों में नचा रहे नेताओं को हजम नहीं हो रहे और इसके लिए अब गुपकार एजेंडे के तहत लोग एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।